साल 2023 में बनेंगे शादी के प्रबल योग? वो कौन सी छह भाग्यशाली राशियां होंगी जिनका विवाह साल 2023 में कन्फर्म होगा? नमस्कार, मैं पंडित जी एस कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी एस घृत कौशिक में। जितने भी मेरे पुराने दर्शक हैं वो भली भांति जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से मैं लगातार विवाह से रिलेटेड नई नई जानकारियां लेकर आपके सामने उपस्थित रहता हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं उन छह भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनके विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं साल 2023 में। यदि आपकी भी गिनती इन राशियों में आती है, चाहे आप लड़का हो या फिर लड़की हो, आपकी जो उम्र है वो विवाह के लायक हो चुकी है और आप काफ़ी समय से शादी के लिए परेशान हैं, शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन बार बार आप असफल हो रहे हैं, विवाह में लगातार विलंबता के कारण आप काफ़ी परेशान हो चुके हैं और आपसे कहीं ज़्यादा परेशान हो चुके होंगे आपके माता पिता, क्योंकि हर माता पिता का यही सपना होता है कि बच्चों की शादी समय पर हो जाए, उनका घर बस जाए। लेकिन विवाह में लगातार अड़चनें आती रहती हैं जिसके कारण आप सब परेशान हो जाते हैं। लेकिन आज चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जैसे ही अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो इन छह राशि वालों के लिए विवाह का एक प्रबल योग बना देंगे। तो अब मैं आपको ये बता दूं, देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि परिवर्तन कब कर रहे हैं? वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। 21 अप्रैल 2023 शाम को 8:43 पर देवगुरु बृहस्पति मीन राशि को छोड़कर मेष राशि में प्रवेश करेंगे और 1 मई 2024 सुबह 4:20 तक मेष राशि में ही रहेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति साल 2023 में मेष राशि में गोचर करते हुए इन छह राशि वाले लड़के और लड़कियों के लिए विवाह का एक प्रबल योग बनाएंगे। मैं आपको बताऊं, ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं ये जानकारी मैं चंद्र राशि के आधार पर दे रहा हूं। आपकी जो जन्म कुंडली है उस जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी चंद्र राशि है और उसी के आधार पर ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। यदि आपके पास अपनी जन्म कुंडली नहीं है और न ही आपके पास अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ बर्थ टाइम है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो बोलता नाम है उस बोलते नाम की जो राशि बनती है उस राशि के अनुसार भी आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, आइए जान लेते हैं उन छह भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनके विवाह का प्रबल योग साल 2023 में बनेगा। इन राशियों में से पहली राशि बनती है मेष राशि। देवगुरु बृहस्पति जैसे ही मीन राशि को छोड़कर मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो मेष राशि वाले लड़के और लड़कियों के लिए विवाह का एक प्रबल योग बना देंगे। तो मेष राशि वालों, यदि आप विवाह के लिए पिछले काफ़ी समय से परेशान थे, दुखी थे, लगातार आप प्रयास कर रहे थे लेकिन सफलता आपको नहीं मिल पा रही थी, तो देवगुरु बृहस्पति पूरे साल आपकी राशि में ही गोचर करने वाले हैं और आपके लिए विवाह का एक प्रबल योग बनाने वाले हैं। तो आप शादी के लिए इस साल में तैयारियां शुरू कर दीजिए। दूसरी जो राशि बनती है वो बनती है मिथुन राशि। अब देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में गोचर करते हुए अपनी नवम दृष्टि धनु राशि पर डालेंगे और धनु राशि जो है वो मिथुन राशि से सप्तम भाव में आती है, अर्थात जो मिथुन राशि वाले लड़के और लड़कियां हैं उनका सप्तम भाव एक्टिवेट हो जाएगा और एक्टिवेट भी कैसे होगा, देवगुरु बृहस्पति की नवम अमृतमय दृष्टि के कारण। तो यहां पर मिथुन राशि वाले लड़के और लड़कियों के लिए भी देवगुरु बृहस्पति विवाह का एक प्रबल योग बनाएंगे।
अब बात करते हैं तीसरी राशि की। तीसरी वो भाग्यशाली राशि सिंह राशि बनती है। प्रदर्शकों, मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हुए अपने पंचम दृष्टि का जो प्रभाव है वो सिंह राशि वाले लड़के और लड़कियों पर डालेंगे, तो उनके विवाह का भी यहां पर एक प्रबल योग बना देंगे। तो सिंह राशि वालों, यदि आप भी काफी समय से परेशान थे, आपके माता पिता भी परेशान हो गए थे आपकी शादी को लेकर के, तो जैसे ही देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में गोचर करना शुरू करेंगे और अपनी पंचम दृष्टि सिंह राशि पर डालेंगे तो आपके विवाह का एक प्रबल योग शुरू हो जाएगा और पूरे साल भर देवगुरु बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि है वो आपकी राशि पर पड़ने वाली है और इस शुभ दृष्टि के कारण बड़ा ही एक प्रबल योग बनेगा आपकी शादी का। चौथी जो राशि है वो बनती है तुला राशि। प्रदर्शकों, देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में गोचर करते हुए अपनी जो सप्तम दृष्टि है वो डालेंगे तुला राशि पर, तो तुला राशि के जितने भी लड़के और लड़कियां हैं उनके लिए भी देवगुरु बृहस्पति यहां पर विवाह का एक प्रबल योग बनाएंगे। तो तुला राशि वालों, यदि आप भी पिछले कुछ समय से परेशान थे, शादी आपकी नहीं हो पा रही थी, बहुत ज़्यादा आप दुखी हो गए थे, आपका परिवार भी दुखी हो गया था, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। साल 2023 में आपकी शादी का एक प्रबल योग देवगुरु बृहस्पति बनाने वाले हैं, तो आप शादी की तैयारियां कर सकते हैं। पांचवी जो राशि है वो बनती है धनु राशि। प्रदर्शकों, देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में गोचर करते हुए अपनी जो नवम दृष्टि है वो धनु राशि पर डालेंगे, तो धनु राशि वाले लड़के और लड़कियां जो काफी समय से विवाह के लिए परेशान थे, उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही थी, उनका कहीं पर भी शादी के लिए रिश्ता फिक्स नहीं हो पा रहा था, तो साल 2023 में उनकी शादी का एक प्रबल योग बनेगा। देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है उसके प्रभाव से उनकी शादी साल 2023 में कन्फर्म हो जाएगी। आप काफ़ी परेशान थे, दुखी थे, तो अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप अपनी शादी की तैयारी शुरू कर सकते हैं। जो छठी राशि है उसके बारे में बताऊं, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा। जिन छह राशियों का यहाँ पर मैं जिक्र नहीं करने वाला हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि साल 2023 में उन राशि वालों की शादी नहीं होगी। हो सकती है यदि जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की महादशा, अंतरदशा या पंतंत्र दशा चली हुई है तो उनकी भी शादी हो सकती है, या फिर जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव है वो एक्टिवेट हो रखा है, अर्थात सप्तम भाव के स्वामी की महादशा चली हुई है या अंतरदशा चली हुई है या पंतंत्र दशा चली हुई है, ऐसी स्थिति में भी उनकी शादी हो सकती है, जिन राशि वालों का मैं यहाँ पर जिक्र नहीं कर रहा हूँ। या फिर जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव है वो किसी शुभ ग्रह के प्रभाव में आ चुका है और उस शुभ ग्रह की महादशा अंतरदशा चली हुई है, तो ऐसी सिचुएशन में उन राशि वालों की भी शादी हो सकती है जिन राशियों का जिक्र मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूं। रही बात जिन राशि वालों का यहां पर मैंने जिक्र किया है, पांच राशियों के बारे में बताया है और एक राशि के बारे में और मैं आपको बताने वाला हूं, यदि इन राशि वालों की जन्म कुंडली में कोई ग्रहण योग बन गया है, विवाह बंधन योग बन गया है, या फिर जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव है वो किसी अलगाववादी ग्रह के प्रभाव में आ गया है और पीड़ित अवस्था में आ गया है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में इन राशि वालों के लिए रिश्ता तो आना तय है, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति शादी के प्रबल योग यहां पर बनाएंगे, तो जन्म कुंडली में जो दुर्योग बन गए हैं उनकी वजह से हो सकता है कि आपको थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ सके, यानी कि कोई रिश्ता आए और वो सफलता तक ना पहुंच पाए, तो ऐसी सिचुएशन आपके साथ यहां पर बन सकती है। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण समय समय पर किसी अच्छे ज्योतिषी से करवाते रहें और आपकी जन्म कुंडली के आधार पर जो सटीक उपाय बनते हैं वो उपाय करते रहें, तो इन सारी समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो प्रदर्शकों, अब बात करते हैं उस छठी भाग्यशाली राशि के बारे में जिनके विवाह का योग साल 2023 में बन रहा है। वो राशि बनती है कुंभ राशि। देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में गोचर करते हुए अपनी पंचम दृष्टि सिंह राशि पर डाल रहे हैं
और जो कुंभ राशि के लड़के और लड़कियां हैं उनके सप्तम भाव में आ रही है सिंह राशि, अर्थात सप्तम भाव से ही हम विवाह का विचार करते हैं, तो कुंभ राशि का जो सप्तम भाव है वो देवगुरु बृहस्पति की पंचम अमृतमय दृष्टि के कारण एक्टिवेट हो जा रहा है। तो जब सप्तम भाव एक्टिवेट होगा तो कहीं ना कहीं शादी के प्रबल योग बनेंगे। तो कुंभ राशि वालों, आप भी पिछले समय से काफी परेशान थे अपनी शादी को लेकर के, अपने विवाह को लेकर के, तो साल 2023 में आपका भी एक प्रबल योग बन रहा है शादी के लिए, आप भी अपनी शादी की तैयारियां शुरू कर सकते हैं। तो प्रदर्शकों, ये थी वो 6 भाग्यशाली राशियां जिनके विवाह का प्रबल योग बन रहा है साल 2023 में। मैंने बड़े ही आसान तरीके से आपको बताने की, समझाने की कोशिश की है, आशा भी करता हूँ कि आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि जन्म कुंडली में ऐसा कौन सा दुर्योग बन गया है जिसके कारण बच्चों की शादी में लगातार विलंब आ रहा है, लगातार अड़चने आ रही हैं, तो फिर स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल टाइप करके मेरे पास भेज सकते हैं और अपने बच्चों की जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा आपकी सहायता करने की। तो प्रदर्शकों, यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगे, वीडियो आपको अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट भी कर देना। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।